नमस्कार। अब यूपी और बिहार के लिए लगातार श्रमिक गाड़ियां, रेलगाड़ियां श्रमिकों को अपने गांव वापस लेकर जा रही हैं। चंडीगढ़ से 4 दिन से ये गाड़ियां जा रही हैं। रोज की 2 या 3 गाड़ियां जाती हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जबकि किराया सबका भारत सरकार दे रही है और चंडीगढ़ से जितने भी यात्री जा रहे हैं सारा किराया यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है चंडीगढ़ की, किसी भी श्रमिक से एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जोरों शोरों से इस बात को लेकर शोर मचा रही है कि जितनी भी गाड़ियों की टिकटें हैं लोगों की, उसके पैसे वो दे रहे हैं। इतना सफेद और बड़ा झूठ सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बोल सकती है। ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ के जितने पैसे हैं जो कि हमारा प्रशासन टिकटें खरीद रहा है वो सारे भारत सरकार के पैसे हैं। बाकी जगहों से भी जितनी भी टिकटें खरीदी जा रही हैं सारी की सारी भारत सरकार उनके पैसे दे रही है, किसी भी यात्री से एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा। तो ये बात क्लियर करने के लिए मैंने इस वीडियो का बनाना जरूरी समझा। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना बंद करो, आपने 1 रुपया नहीं खर्चा है इसके ऊपर। जितने भी पैसे हैं भारत सरकार दे रही है, चंडीगढ़ प्रशासन दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।